भाई पैसों के बलबूते पे तो टिकट आया, मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जिन्हें टिकट मिला है उनका चरित्र ठीक नहीं है? बिल्कुल, सब दुनिया पूरी विधानसभा के पूरा राजस्थान जान रहा है। फिर आपको टिकट क्यों नहीं मिला? बस गोगुंदा के दो चार लोग हैं जिनकी वजह से मुझे कुछ नुकसान पहुंचा है। मेरे मुकदमे की तुलना और जिनको टिकट दिया उनकी तुलना आप करो। मैं नारी सम्मान के लिए आगे आऊंगा और लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जैसे के साथ तैसा। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कैंडिडेट की सूचियां निरंतर जारी हो रही है। बीजेपी ने अपनी दो लिस्टें जारी कर दी है। लिस्ट के जारी होने से कई लोगों की धड़कनें बढ़ी है, वहीं कई लोगों के चेहरे खिले हैं, वहीं कई चेहरे मायूस हुए हैं। बात करेंगे उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की, और इस सीट पर प्रमुख दावेदार बीजेपी के तीन थे। नंबर वन पे चल रहे थे पप्पू राणा भील, जो अचानक पिछले तीन दिनों में क्या हुआ कि धड़ाम से तीसरे नंबर पे आ पड़े और पहले नंबर पर प्रताप गमेती पहुंचे और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। शंभु गमेती का नाम भी इनमें था, वो आक्रोशित है और पप्पू राणा भील शांत है। वो कह रहे हैं पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो उस पे पार्टी के साथ है, संगठन के साथ है, लेकिन इस बार साथ नहीं है तो वो है शंभु गमेती। खैर, एक तरफ खुशी है, प्रताप गमेती आज पहुंचे पलासमा पद्मनाथ जी के मंदिर में और वहां पर दर्शन करके उन्होंने ईश्वर से कामना की कि ये चुनाव भी वो जीते। तो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के तीन दावेदार थे। जिन्हें टिकट मिला है वो खुशियां मना रहे हैं, दूसरे जिन्हें टिकट नहीं मिला वो घर जाके बैठ गए हैं, और तीसरे वो व्यक्ति है जो आक्रोशित है। शंभु गमेती हमारे साथ है, हम बात करेंगे उनसे। आइए शंभु जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आनंद है, आशीर्वाद है आपका। तो अभी कहाँ कहाँ जाना हुआ है? अभी मैं बड़गांव पंचायत समिति के अंदर काफी लोगों से मिलना जुलना हुआ मेरा, और मेरे साथीगण से मिलके मैं उम्मीदों पे कभी यूं रुका नहीं हूँ, और मेरे साथियों से मिलके मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी फील्ड नहीं छोड़ूंगा, और कल की दौर में मैं गोगुंदा सायरा देवला पांचों मंडलों में कल और मैं घूमूंगा फिरूंगा, मेरे साथियों से मिलूंगा, और इस चुनावी दौर में मैं पीछे कदम रखने वाला इंसान नहीं हूँ। कम से कम 8 साल से मैंने इस विधानसभा में हर जगह जाके हर व्यक्ति से मिलके मैंने मतलब मेरा पूरा प्रयास करा, और संगठन के लिए मैं किसी काम में पीछे नहीं रहा हूँ। पिछला जो 2018 में आपने चुनाव में आपने टिकट मांगा था, तब जैसा हुआ वैसा ही इस बार भी हो गया, आगे की क्या सोचते हैं आप? उस समय भी मेरे को आश्वास दिया कि गोगुंदा से कुछ लोग आए थे, कुछ सायरा से आए, उन्हें आश्वास करा कि अगले समय में आपको इस हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, और इस तरीके से करके मुझे रोका, और इस बार भी वही हुआ मेरे साथ में। अच्छा, आपको हर बार कह दिया जाता है शंभु जी अगली बार देंगे यार, आज भी, और फिर आप रुक जाते हैं? आज भी कह रहे हैं कि अगली बार देखेंगे अगली, और कुछ गोगुंदा के निजी स्वार्थों के कारण ये मेरे लिए ऐसा हो रहा है, और मेरे चरित्र पे भी इन्होंने कि इतने मुकदमे है ये करके, तो मेरे से बढ़िया मुकदमे क्या वर्तमान विधायक जी के पे? नहीं, कैसे मुकदमे, कौन कहते हैं, कहाँ कहते हैं? जनता बता रही है, जनता बता रही है। मेरे तो चलो ठीक है, दो चार लड़े झगड़े हो सके, व्यक्तिगत रूप से भी हो गए, पारिवारिक भी हो गए, और पॉलिटिक्स में भी हुए। पॉलिटिक्स में भी मैं बता रहा हूँ, अभी टोल नाके पे हुआ, उसमें मतलब पॉलिटिक्स मैटर था, जब 8-10 लोग उसमें है मतलब जैसी हुई है, और मेरे लिए मतलब एक डिप्टी साहब के पीए साहब आए, देखा करा, सारी कैमरे खंगाल के, तो उसमें FIR लग गए। इस तरीके से मेरे राजनीतिक मुकदमे भी दो चार है, दो चार मेरे पारिवारिक वगैरह किसी भी तरीके से। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों के लिए लड़ाई करते हैं और उसमें आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, तो आपकी छवि एक अपराधी की बना के प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल सही है, इस तरीके से मतलब ये कांग्रेस वाला ने या बीजेपी वाला ने जैसे भी जो भी करा है, भाई कभी मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ तो कांग्रेस वाला ने भी थोपा भाई ये यहाँ पे ये इस तरीके का मसला है यूँ करके, तो मेरे दो चार मुकदमे बना दिए, उससे मतलब ये मेरे चरित्र पे मतलब व्याख्यान करने लग गए हैं। मैं तो कंपेरिजन करता हूँ, मेरे मुकदमे की तुलना और जिनको टिकट दिया उनकी तुलना करो, मेरे मुकदमे कैसे और उनके कैसे। मैं नारी सम्मान के लिए आगे आऊँगा और लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मतलब आप कह रहे हैं जिन्हें टिकट मिला है उनका चरित्र ठीक नहीं है? बिल्कुल, सब दुनिया पूरी विधानसभा के पूरा राजस्थान जान रहा है।
मेरे कहने से क्या होता, पूरी जनता जान रही है। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है और काफी फील्ड में रहते हैं, इसलिए ये भी जनता बता रही है फील्ड में कौन लगा हुआ, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम चल रहे हैं, वो सारी जनता बता दे। फिर मोटे क्या कारण लगते हैं, जब आप कह रहे हैं कि आपकी छवि ठीक है, आप फील्ड में भी जाते रहे हैं, 5 साल तक आप सायरा गोगुंदा बड़गांव में दिखाई देते हैं, काम करते हैं लोगों के, तो फिर आपको टिकट क्यों नहीं मिला? बस गोगुंदा के 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया। चलो मैं बदमाश हूँ, मान लिया मैं बदमाश प्रवृत्ति का, लेकिन मेरे से अच्छा तो पप्पू जी भी थे। अगर उस चरित्रवान को देख के तो पप्पू जी के कौन सा मतलब मुकदमा, तो मैं वो भी देख के उनको टिकट दे सकते थे। ये तो सब चाल चलन है, सारे तोड़ बट्टे के हिसाब से हुए, और मैं मेरे हिसाब से मतलब ये होगी इस बार में चुनाव। तोड़ बट्टा कैसे, जो सब जानते हैं तोड़ बट्टे कैसे होते हैं, वो तो आप कह रहे हैं ये पैसों से खरीदा गया टिकट है। बस बिल्कुल सही है, हर जगह देख लो आप पैसों से खरीदा हुआ। बाकी चरित्रवान देखे मेरे मुकदमे और उनमें कितना कंपेरिजन था। आपको क्या लगता है पप्पू राणा बिल की क्या खासियत है? अब इन सब चीजों को देख के तो मान लिया जाए, मैं तो कह रहा हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन उसके चरित्र पे क्या दब्बा? अगर ये देख के टिकट अगर देते तो उनके तो कोई चरित्र पे कोई दब्बा नहीं लग रहा ना। और मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, सीधी बात है, मैंने 7-8 साल से लगा हुआ हूँ और एक भी दिन जो भी संगठन ने काम बताया उसमें पीछे नहीं हटा हूँ। जनता मेरे साथ में है, विश्वास दे रही है, और हर मंडल में कल से मैं मिलना जुलना चालू कर दूंगा और नवरात्रा के बाद मेरी तैयारी में लग जाऊँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अवगत कराना चाहता हूँ, आप भी दावेदारी कर रहे थे, प्रताप गमेती भी दावेदारी कर रहे थे, पप्पू राणा बिल भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पिछले 4-5 महीने से एक चर्चा ये चल रही थी कि पप्पू राणा हर चीज में, सर्वे में, हर बात में, अंदर पार्टी की सर्वे हो चाहे संघ की सर्वे हो, हर मायने में वो टॉप 1 पे आ रहे थे। आपको लगता है वो आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे भाई साहब, सबने हर सर्वे में, संगठन में सब ने मिलके, वो भी आगे और मेरा भी हर जगह सर्वे में आगे गया, इनका तो सबसे पीछे चला था। और 2 दिन में ग्राफ बढ़ के मतलब एक टिकट फाइनल हो गया, बाकी तो सर्वे के हिसाब से देखते हैं तो ये कहीं पे भी मतलब माइनस चल रहे थे। तो आपका क्या लगता है कि 5 साल तक कोई भी व्यक्ति मेहनत करे और आखिर में 2 दिन में कोई व्यक्ति पैसों के बूते पे टिकट ले आता है? तो बस यही हुआ ना भाई साहब, और क्या लग रहा है भाई, पैसों के बलबूते पे तो टिकट आया भाई। पप्पू जी के पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है मेरे पास थोड़े बहुत होंगे तो वो लेवल देख के मतलब उनके हिसाब से पैसों से टिकट आया, मैं तो यही मानूंगा। पर आप कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव तो लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा मैं इस बार। और आपको क्या लगता है फिर आप ये सीट निकाल पाएंगे? सीट निकाले नहीं निकाले वो एक बात की, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है अब।